नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी झील है जिसमें सदियों से भक्त मनोकामना पूरी होने पर धन राशि, हीरे जवाहरात व स्वर्ण आभूषण अर्पित करते हैं। सदियों से झील में धन राशि डालने के कारण यहां पर अरबों रुपए की संपत्ति पड़ी है। झील की गहराइयों में पड़ी आकूत संपदा की रक्षा झील के किनारे रहने वाला एक नाग करता रहा है। आइए आपको इस झील के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित है कमरू नाग झील। हिमाचल प्रदेश की मंडी से लगभग 60 किलोमीटर दूर रोहांडा से पैदल यात्रा शुरू होती है। कठिन पहाड़ चढ़कर घने जंगल से करीब 8 किलोमीटर चलने के बाद कमरू नाग झील तक पहुंचा जाता है। झील के पास एक मंदिर भी स्थित है। माना जाता है कि सारे साल में केवल जून माह में 2 दिन बाबा कमरू नाग भक्तों को दर्शन देते हैं। बाबा को इस घाटी में सबसे बड़े देवता के रूप में पूजा जाता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए झील में डाली जाती है धनराशि। बाबा कमरू नाग मंदिर के पास एक झील है जिसे कमरू नाग झील के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर प्राचीन मान्यता है कि झील में सोने चांदी के गहने तथा पैसे डालने से समूची मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सदियों से भक्तों की ओर से अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने व पूर्ण होने पर झील में डाली गई धनराशि के कारण इस झील में अरबों रुपए का खजाना दबा पड़ा है। बाबा कमरू नाग को माना जाता है वर्षा का देवता। हिमाचल प्रदेश के इस क्षेत्र में कमरू नाग बाबा को वर्षा का देवता कहा जाता है। सदियों से भगवान कमरू नाग को सोने चांदी व पैसे चढ़ाने की मान्यता है। इसी परंपरा के कारण झील के गर्त में सदियों से बड़ा खजाना दबा हुआ है। कमरू नाग का उल्लेख महाभारत में भी आता है। इन्हें पहले बबरू भान के नाम से भी जाना जाता था, जो धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे, लेकिन श्री कृष्ण की नीति के समक्ष हार गए। बबरू भान ने कहा था कि वह कौरवों और पांडवों का युद्ध देखेंगे, जो सेना हारने लगेगी वह उसका साथ देंगे। तब भगवान कृष्ण ने सोचा, यदि इन्होंने कौरवों का साथ दे दिया तो पांडव जीत नहीं पाएंगे। तब श्री कृष्ण ने एक शर्त लगाकर इन्हें हरा दिया, बदले में इनका सर मांग लिया। तब कमरू नाग ने इच्छा जाहिर की कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इनके कटे हुए सर को हिमालय के एक ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया। कहा जाता है कि जिस तरफ इनका सर घूमता वह सेना जीतने लग जाती। तब भगवान श्री कृष्ण ने इनके सर को एक पत्थर से बांधकर उनके मुख को पांडवों की तरफ घुमा दिया। वहीं पानी की दिक्कत ना हो इसलिए भीम ने अपनी हथेली को गाड़कर एक झील बना दी। क्या कहते हैं इलाकावासी, कहा जाता है कि इस झील में सोना चांदी व अन्य धनराशि चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। तब से लोग अपने गहने भी इस झील में डालने लग गए। यह झील पैसों से भरी रहती है। इतना ही नहीं, इस झील से सोना चांदी व अन्य कीमती सामान को कभी भी नहीं निकाला गया। कहा जाता है कि यह झील सीधे पाताल तक जाती है। इसमें देवताओं का खजाना छिपा है। नाग देवता करते हैं खजाने की सुरक्षा। इस झील में पड़े खजाने को सदियों से कोई नहीं चुरा सका। कहा जाता है कि कमरू नाग बाबा यहाँ पर हर पल झील की रक्षा करते हैं। जो भी कोई इस झील के खजाने को हाथ लगाता है तब वह नाग देवता अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही थी एक ऐसी झील से जुड़ी जानकारी जिसमें सदियों से दबे खजाने की रक्षा नाग देवता कर रहे हैं। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।